चीन और ताइवान के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन आग बबूला हो चुका है। नैंसी पेलोसी के दौरे के बाद चीन के 27 लड़ाकू विमान फाइटर प्लेन ताइवान की एयर डिफेंस जोन में घुस चुके हैं। इस बीच चीनी सेना ताइवान को अपना दमखम दिखाने के लिए चीन ताइवान बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से उनका कल दौरा हुआ और चीन में खलबली मची, आज उसने दुनिया को दिखाने के लिए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। लेकिन अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है, उसके तरफ से भी दखल की तैयारी शुरू हो चुकी है। चीन और ताइवान दोनों इस वक्त एक दूसरे को लेकर अलर्ट मोड पे हैं और फिलहाल ये चीन के युद्धाभ्यास की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब क्या रूस और यूक्रेन जैसे हालात बनने जा रहे हैं या उसके पहले की ये तैयारी है, क्योंकि सुगबुगाहट इसी तरीके से रूस यूक्रेन को लेकर भी शुरू हुई थी। अमेरिका चेताता रहा लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस वक्त भी बड़ी खबर यही निकलकर सामने आ रही है, चीन के युद्धाभ्यास पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए। अमेरिका ने अपने RC-135S लड़ाकू विमान को चीनी सेना के युद्धाभ्यास पर नजर बनाए रखने के लिए तैनात कर दिया है। अलर्ट मोड पे है अमेरिका, और अमेरिका वो देश जो पहले आगाह करता है और उसने रूस यूक्रेन के वक्त भी आगाह किया था, इस वक्त भी उसने पूरे मूवमेंट पे, यानी चीन इस वक्त क्या कर रहा है, युद्धाभ्यास कैसे कर रहा अपने फाइटर प्लेन के जरिए, उस पे निगाह बनाए हुए। तो अमेरिका की स्पीकर नैंसी पेलोसी के जाने के बाद ही चीन अचानक और आक्रामक हो चुका है। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया है, ताइवान के करीब युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। इस वक्त ताइवान के करीब बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलों की बारिश होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या युद्ध शुरू होने वाला है। चीन के युद्धाभ्यास और फाइटर जेट की गड़गड़ाहट के बीच अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी का विमान सही सलामत ताइवान से निकल गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। युद्ध पोत से कैसे बरसेंगी मिसाइलें? लड़ाकू विमान कहां बम बरसाएंगे? चीन के टैंक कब ताइवान में आग उगलेंगे? इन सवालों के सही जवाब पाने के लिए पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि चीन की सेना ने ताइवान को फिलहाल चारों तरफ से घेर रखा है। चीन ने एक साथ ताइवान के खिलाफ 6 मोर्चे खोलने की तैयारी कर ली है। इन मोर्चों को पीएलए ने ताइवान के चारों तरफ 6 नो एंट्री जोन का नाम दिया है। ताइवान के खिलाफ चीन का पहला मोर्चा, चीन का दूसरा मोर्चा, चीन का तीसरा मोर्चा, चीन का चौथा मोर्चा, चीन का पांचवा मोर्चा, और ये है चीन का छठा मोर्चा। चीन ने पूरे इलाके को एक तरह से नो फ्लाई जोन में बदल दिया है। अब इन 6 रास्तों के जरिए कोई भी प्लेन या फिर शिप ताइवान नहीं पहुंच सकता। इन 6 स्पॉट पर पीएलए की नौसेना के युद्ध पोतों ने लंगर डाल रखा है। चीन ने अपने विमान वाहक पोत ताइवान के काफी करीब भेज दिए हैं। चीन के टैंक ताइवान बॉर्डर के नजदीक पहुंच गए हैं। मिसाइलें फायर के लिए तैयार हैं, बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। और चीन के सरकारी मीडिया पर युद्ध को लेकर चीन की सेना की तैयारियों का प्रसारण किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान के चारों ओर अपने J-20 फाइटर जेट और युद्ध पोतों की तैनाती कर दी है। चीन की सरकारी मीडिया जो पिक्चर पेश कर रही है, उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि महायुद्ध का नया मोर्चा खुलने ही वाला है। ताइवान चीन में युद्ध हुआ तो वो यूक्रेन से भी भयानक जंग होगी। नीले समंदर में नए युद्ध का नया अखाड़ा तैयार हो गया है। मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि शी की सेना युद्ध के लिए रेडी है।
के लिए चीन की सेना ने ताइवान द्वीप के काफी करीब समंदर में अपना जल चक्र भी रच दिया है। पीएलए ने ताइवान के तट से करीब समंदर में उन सभी 6 डेंजर जोन की मार्किंग भी कर दी है। ये ताइवान के उत्तर पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के इलाकों में बनाए गए हैं, जहां चीन ने अपने युद्धपोत और पनडुब्बियों से लेकर फाइटर जेट तक सब जमा कर लिए हैं। ये चीनी सेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। इस तैयारी में एक नए महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। क्योंकि चीन की सेना पीएलए इस युद्धाभ्यास को खास तौर पर ताइवान को नजर में रखकर अंजाम दे रही है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए चीन की सेना ठीक इसी तरह समंदर के रास्ते ताइवान पर हमला बोल सकती है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से इस खास मिशन की तैयारी कर रही है, जो अब और तेज कर दी गई है। ताइवान हमले की तैयारी का वीडियो नंबर 1। ताइवान हमले की तैयारी का वीडियो नंबर 2। ताइवान हमले की तैयारी का वीडियो नंबर 3। ताइवान हमले की तैयारी का वीडियो नंबर 4। ताइवान हमले की तैयारी का ये है वीडियो नंबर 5। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन अमेरिका के बहाने सही मौका अब दिखाई दे रहा है। चीन की तैयारियों को देखकर दुनिया डर गई है। ताइवान और चीन के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच चीन ने ताइवान को घेरने की कोशिश भी शुरू कर दी है। ताइवान की समुद्री सीमा के पास चीनी हेलीकॉप्टर्स को देखा गया। एक दो नहीं बल्कि चीन के 3 हेलीकॉप्टर्स ताइवान की सीमा से घुसरे। इस वक्त हम आपको बड़ी खबर अपडेट कर रहे हैं, जहां चीन के हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं ताइवान के सीमाई इलाकों में, और ये टॉप एंगल से तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अमेरिका की निगाह बनी हुई है, अमेरिका के भी फाइटर प्लेन इस एरिया में मूवमेंट कर रहे हैं, ताकि चीन के हर एक स्टेप पे उसकी नजर रहे और वक्त रहते सतर्क हुआ जा सके। ताइवान भी चुप नहीं बैठने वाला है। बीते कई सालों साल में, दशकों दशक में ताइवान ने अपनी तैयारी उस तरीके से की है कि जब भी चीन आंख दिखाए तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। क्या चीन की सेना रूस की राह पर चल रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस की तरह ही महायुद्ध से पहले चीन की सेना युद्धाभ्यास में जुटी हुई है। पहले युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान बेहद करीब है, ऐसे में कभी भी चीन युद्ध का ऐलान कर सकता है। दुनिया खौफ में है क्योंकि यूक्रेन पर चढ़ाई से पहले रूस ने युद्धाभ्यास का सिलसिला बढ़ा दिया था। यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिकों को जमा कर रखा था। युद्धाभ्यास के बहाने रूस ने अपनी सेना को यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस पहुंचा दिया था, जिनके जरिए रूस ने क्यू पर चढ़ाई की थी। दुनिया को डर है कि रूस ने जैसे यूक्रेन युद्ध से पहले युद्धाभ्यास के बहाने अपने सैनिकों को जमा किया था, क्या वही काम अब चीन कर रहा है? क्योंकि चीन की सेना समंदर के रास्ते घेराबंदी कर रही है।
आसमान के रास्ते चीन के फाइटर जेट ताइवान पर नजर गड़ाए हुए हैं। जमीन के रास्ते पीएलए सेना ताइवान के नजदीक पहुंच रही है। कुछ महीने पहले चीन ने एक बेहद खास युद्धाभ्यास किया था, जिसने ताइवान को परेशान और अमेरिका को हैरान कर दिया था। कैसे कम से कम वक्त में दुश्मन देश के समुद्री किनारे पर कब्जा करना होगा, इसका उदाहरण कैमरे के सामने चाइनीज सेना ने पेश किया था। इस वॉर एक्सरसाइज में सबसे खास बात थी कि दुश्मन देश के हालात बिल्कुल ताइवान के मुताबिक तैयार की गई थी। उसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए अब चीन की सेना ताइवान को 6 मोर्चों पर घेर रही है। दरअसल ताइवान को चारों तरफ से घेर कर चीन की सेना बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। ये वॉर एक्सरसाइज 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक 4 दिन तक चलेगी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मैप जारी कर इस बात की जानकारी दी है। मैप में दिखाया गया है कि ताइवान को घेर कर कहां कहां चीन की सेना जमा हो रही है और जंग के लिए अपनी तैयारी दिखाएगी। ऐसे में आशंका इस बात की है कि कहीं रूस की तरह ही चीन भी युद्धाभ्यास के लिए जमा हुई सेना से ताइवान पर हमला न करवा दे। अगर ऐसा हुआ तो चीन के जो युद्धपोत अभी ताइवान को घेरे हुए हैं, वहां से चीन मिसाइल अटैक करने लगेगा। चीन के विमान वाहक पोत से लड़ाकू विमान उड़ेंगे जो ताइवान की धरती पर आग बरसाएंगे। वहीं से युद्धपोत आगे बढ़कर ताइवान की धरती तक चीन के टैंकों को भी पहुंचाने का काम करेंगे। अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्पेशल रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक चीन की सैन्य क्षमता इस हद तक बढ़ गई है कि ताइवान की रक्षा में अमेरिकी जीत की अब कोई गारंटी नहीं है। चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका वहां सीमित जहाज ही भेज सकता है। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने लगेगा। इससे गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस को भी खतरा हो सकता है। ताइवान को लेकर चीन बार बार बारूदी बोल बोलता रहा है, जंग का खौफ दिखाता आया है। पूरी दुनिया के सामने चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है, ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। IISS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक चीन के पास हर तरह के सैनिकों को मिला लें तो 20,35,000 सक्रिय सैनिक हैं, वहीं ताइवान में केवल 1,63,000 सक्रिय सैनिक हैं। इस तरह सैनिकों के पैमाने पर चीन की ताकत ताइवान से करीब 12 गुना ज्यादा है। अगर थल सेना की बात करें तो चीन में 9,65,000 थल सैनिक हैं, जबकि ताइवान में 11 गुना कम केवल 88,000। वहीं नौसेना में चीन के पास 2,60,000 नौसैनिक हैं, तो ताइवान में केवल 40,000। यानी सैन्य ताकत में चीन का कोई मुकाबला नहीं। अगर दोनों देशों में लड़ाई हुई तो ताइवान की सैन्य ताकत चीन के सामने बौनी साबित होगी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है। आसियान नेताओं के साथ चीनी विदेश मंत्री ने मुलाकात की। इस दौरान आसियान नेताओं ने चीन का खुला सपोर्ट किया है। आसियान नेताओं ने कहा कि चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव से इस इलाके में युद्ध हो सकता है, जो सभी आसियान देशों को मुश्किल में डाल देगा। ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर युद्ध हुआ तो ताइवान इसका जवाब देने में कितना सक्षम है। वैसे ताइवान के पास जो भी हथियार है वो अमेरिका ने ही दिए हैं। ऐसे में युद्ध शुरू करना चीन के लिए भी आसान फैसला नहीं होने जा रहा। ताइवान छोटा देश जरूर है,
लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। चीन की शक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिए। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16K हैं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो इस मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक हैं। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे।